हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर लॉजिक्स। आज की वीडियो में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, व्हेन आयोडीन रिएक्ट्स विद सोडियम थायोसल्फेट द प्रोडक्ट फॉर्म दिस। तो बेसिकली आपको प्रोडक्ट बताना है एंड सिंपल सी रिएक्शन इन ऑर्गेनिक की। या तो आप इस रिएक्शन को डायरेक्टली याद रखें, वैसे तो डायरेक्टली याद रखेंगे तो ठीक रहेगा कि जब सोडियम थायोसल्फेट के साथ आयोडीन की हम रिएक्शन करवाते हैं तो जो हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं, एक तो NaI मिलता है अलॉन्ग विथ सोडियम टेट्रा थायोनेट Na2S4O6। सोडियम टेट्राथायोनेट मिलता है। एंड फिर भी मेरे पास एक छोटी सी ट्रिक है इसको रिमेंबर करने के लिए, ठीक है, कि चार ऑप्शन थे, चार में से एक आंसर सही प्रिडिक्ट करना है। मेरे पास एक छोटी सी ट्रिक भी है उसके लिए। जितने भी हैलोजन्स होते हैं, ऑल हैलोजन्स दे आर क्वाइट गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये सारे के सारे अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये खुद रिड्यूस हो जाते हैं। हैलोजन्स जो स्टेबल होते हैं वो नेगेटिव चार्ज में हैलाइड आयन की फॉर्म में होते हैं, तो हैलोजन खुद तो हैलाइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब खुद तो रिड्यूस हो जाता है एंड बिहेव करता है एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। एंड जो इनके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को बिहेव करने की टेंडेंसी है वो सबसे अच्छी होती है फ्लोरीन के लिए, फॉलोड बाय क्लोरीन, फॉलोड बाय ब्रोमीन। आयोडीन इज द वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग हैलोजन्स। तो ये ऑक्सीडाइज तो करेगा लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आपके पास जो रिएक्टेंट है वो है Na2S2O3 एंड इसमें अगर आप सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो, कैसे करोगे? इसके अंदर दो सोडियम है, दो सल्फर हैं, तीन ऑक्सीजन, ओवरऑल चार्ज इज जीरो। तो हमें पता है सोडियम के ऑक्सीडेशन स्टेट हमें +1 पता है, सल्फर लेट इट बी एक्स, तो ये 2x हो जाएगा। एंड ऑक्सीजन हमें पता है -2, तो 3 × -2 विच विल बी -6 विच इज जीरो। तो ऑन सॉल्विंग यहाँ से आपके पास सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी इन सोडियम थायोसल्फेट एंड दिस ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी +2। क्लियर? अब आयोडीन एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। तो ये ऑक्सीडाइज तो करेगा, मतलब 2 से ज्यादा आगे तो लेके जाएगा सल्फर को, लेकिन बहुत ज्यादा आगे नहीं लेके जा पाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता जैसे नाइट्रिक एसिड HNO3, तो वो तो सल्फर को डायरेक्टली +6 में भेज देते, उसकी हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों? क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में से एक है एंड ये हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो आयोडीन है ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। तो अब ऑप्शंस में चेक करो, अगर आप Na2SO4 चेक करते हो, इसके अंदर जब ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैलकुलेट करोगे ये आएगी सल्फर की +6, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आयोडीन इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। सिमिलरली इसमें भी +6 आएगी, तो ये भी पॉसिबल नहीं रहेगा। एंड इसके अंदर Na2S2O7, इसके अंदर भी कैलकुलेट कर लो, दो सोडियम है तो +2 एंड 2x-14, तो इसके अंदर भी +6 ही आ जाएगी, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसके अंदर अगर अब हम चेक करें, ये बनेगा 2 एंड -12, तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है 2.5। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट 2.5 पर सल्फर एटम एंड इसमें थी +2 पर सल्फर एटम। तो ऑक्सीडाइज तो हुआ लेकिन बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, जो क्लियरली आयोडीन के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने का इंडिकेट कर रहा है। क्लियर? क्योंकि आयोडीन ने ऑक्सीडाइज तो किया लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, तो बहुत ज़्यादा आगे नहीं लेके जा पाया। तो आंसर सी है। या तो आप इसको ऐसे रिमेंबर कर सकते हो कि सोडियम टेट्राथायोनेट मिलता है, या फिर आप डायरेक्टली इस तरीके से भी कर सकते हो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का स्ट्रेंथ चेक करके। क्लियर? होपफुली आपको समझ आ गया। थैंक यू।